हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 3, जिसका नाम है फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो यहाँ पे दे रखी है एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग पोयम। तो यह पोयम हमें पढ़ना है। आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हुज नेम इज, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक से छोड़ रखा, तो यहाँ पर आपको अपने दोस्त का नाम लिख लेना है। जैसे हम आपका जो भी दोस्त हो आप उसका नाम लिख सकते हो, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मोनू, MONU। आप अपने दोस्त का नाम यहाँ लिख सकते हैं। आई हैव ए फ्रेंड हुज नेम इज मोनू एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। वी लॉफ एंड प्ले, हम हंसते हैं और खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते भी हैं। वी रीड एंड राइट, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, गाते हैं और नाचते हैं पूरे दिन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स के बारे में लिखा है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो इसमें पहला है माय फ्रेंड एंड आई हैव टुगेदर, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर वाले पोयम से ही हम भर लेंगे। माय फ्रेंड एंड आई हैव टुगेदर, तो यहाँ देखो ऊपर लिखा है एंड वी हैव फन टुगेदर, तो यहाँ फन आना चाहिए। माई फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर, तो यहाँ आएगा फन, FUN। इसके बाद सेकेंड है वी लव एंड, तो यहाँ पे है ऊपर देखो वी लव एंड प्ले, तो यहाँ आ जाएगा प्ले, वी लव एंड प्ले, तो हम यहाँ लिख देंगे PLAY। इसके बाद है वी एंड फाइट, तो वी यहाँ पे लिखा है वी ईट एंड फाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे वी ईट एंड फाइट। इसके बाद है वी एंड ऑल डे, तो वी क्या आ जाएगा सिंग एंड डांस ऑल डे, तो हम यहाँ लिख देंगे वी सिंग SING सिंग एंड डांस DANCE डांस ऑल डे। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर पोयम से देखकर हमने भर दिए हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट यू। ये सेंटेंस जो है नीचे दिए गए, यह अपने बारे में आपको पूरा करना है एंड योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, आपके और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है और कंप्लीट करना है। तो इसमें पहला माय नेम इज, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माय नेम इज सोनू, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, उसकी स्पेलिंग लिखनी है। आई एम इन क्लास 9th। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, तो यहाँ पे आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम लिखना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मोनू। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है, तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। वी प्ले एवरी डे, तो यहाँ आप दिन भर क्या खेलते हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट एवरी डे। इसके बाद है वी लव टू ईट, हम खाना पसंद करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं मैंगोस, MANGOES मैंगोस, वी लव टू ईट मैंगोस, हमें आम खाना पसंद है। इसके बाद एक्टिविटी 3 है पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे नीचे के वाक्यों में हमें सही स्थान पर एंड शब्द लगाना है और एक एग्जाम्पल हमारे लिए किया हुआ है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट वाला है सेंटेंस, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, तो इसमें है रेहाना सुषमा वेयर गुड फ्रेंड्स, रेहाना सुषमा अच्छी दोस्त है और इसको यहाँ पे एंड लगाकर बताया गया है रेहाना। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे यही नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे रखा रेशमा एंड सुषमा वेयर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एंड लगा दिया इन दोनों नाम के बीच में, तो इसी प्रकार हमें भी करना है। तो यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है इसको हम करेंगे। सेकेंड है वी प्ले खो खो कबड्डी, तो यहाँ पे खो खो कबड्डी दोनों जो खेल है इन दोनों के नाम साथ में, तो यहाँ एंड आना चाहिए था, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे वी प्ले खो खो एंड
कबड्डी, और यहां फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से यह खो खो और कबड्डी के बीच में एंड लगेगा। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है, वी लव मैंगोस बनानास, हमें मैंगो मतलब आम और केले पसंद है। तो यहाँ पे मैंगोस और बनाना दोनों फ्रूट्स के नाम के बीच में एंड लगेगा, तो हम लिखेंगे वी लव मैंगोस एंड बनानास और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। इसके बाद फोर्थ जो सेंटेंस है, वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप, हमने दुकान से किताबें पेन खरीदे। तो यहाँ बुक्स और पेन्स दो वस्तुओं के नाम है, तो इनके दोनों के बीच में एंड लगना चाहिए था, तो हम इसको फिर से लिखेंगे यहाँ वी बाय बुक्स, बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप और फुल स्टॉप। इसके बाद फिफ्थ है, वी रीड स्टोरीज पोयम्स इन क्लास, हम कक्षा में कहानियां कविताएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहानियां और कविताएं मतलब स्टोरीज और पोयम्स के बीच में एंड लगना था, तो यहाँ होगा वी रीड स्टोरीज एंड पोयम्स इन क्लास और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। इसके बाद जो एक्टिविटी फोर दे रखी है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, जो नीचे कहानी दे रखी है इसे पढ़िए और जो प्रश्न है उनके उत्तर दीजिए। तो यहाँ स्टोरी दे रखी है, उसको पढ़ के हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो स्टोरी को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भोला की जो है स्टोरी दे रखी है, तो हम पढ़ते हैं इसको। भोला द फार्मर, फार्मर मतलब होता है FARMER, फार्मर मतलब होता किसान। वॉन्टेड टू सौ, SOW, सो मतलब बोना, वीट WHEAT, वीट मतलब गेहूं, इन हिज फील्ड, फील्ड मतलब खेत में। भोला द फार्मर वॉन्टेड टू सो वीट इन हिज फील्ड, भोला जो किसान है अपने खेत में गेहूं बोना चाहता था। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प, उसने डिसाइड किया अपने दोस्तों से उनकी मदद लेने के लिए। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम, सबसे पहले वह दीनानाथ के पास गया और उससे पूछा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, कैन यू हेल्प मी सो द वीट, क्या तुम गेहूं बोने में मेरी मदद करोगे। दीनानाथ रिप्लाइड, दीनानाथ ने जवाब दिया, ओह सॉरी, आई हैव ए स्टमक एक, नहीं माफ करो, मेरे पेट में दर्द है। ACHE, एक मतलब दर्द, स्टमक मतलब पेट में, सॉरी मतलब माफ करना। तो इस प्रकार से जो दीनानाथ के पास जब भूला गया उसकी मदद के लिए पूछने के लिए, तो उसने मना कर दिया और क्या कह दिया, मेरे पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, भोला फिर चंदन के पास गया और उससे मदद के लिए पूछा। चंदन रिप्लाइड, चंदन ने जवाब दिया, ओ सॉरी, मुझे माफ करो, आई हैव ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, भोला आखिरकार पप्पू के पास गया और उससे मदद के लिए पूछा। पप्पू रिप्लाइड, पप्पू ने जवाब दिया, ओ सॉरी, आई हैव ए बैकएक, माफ करो, मेरे पीठ में दर्द है। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, भोला ने सारे कार्य अकेले करे। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ वीट, उसके पास थैले भर के गेहूं हो गए। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, उसने अपने दोस्तों से फिर पूछा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस वीट हलवा, क्या तुम मुझे यह गेहूं का हलवा खाने में मदद करोगे। ऑल ऑफ देम शाउटेड, सभी चिल्लाए, यस मतलब हाँ, तो सभी हलवा खाने के लिए खुश हो गए और वो तैयार थे।
तो इस प्रकार से छोटी सी स्टोरी थी भोला की। अब यहाँ दे रखे क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड ईच, जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वांटेड टू सो वीट, कौन गेहूं बोना चाहता था। तो यहाँ पे शुरू में ही दे रखा है, भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड, तो इसका आंसर आएगा भोला। तो हम इसका उत्तर यहीं लिख देंगे, इसका आंसर है BHOLA भोला। इसके बाद है अगला, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला। तो वह सबसे पहले मिला था, फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा दीनानाथ, तो हम इसका उत्तर भी यहीं लिख देंगे, DINANATH दीनानाथ। इसके बाद है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं दीनानाथ ने कोई हेल्प नहीं करी थी। हु वेयर भोलास अदर फ्रेंड्स, भोला के दूसरे दोस्त कौन से थे। तो सबसे पहले तो दीनानाथ के पास गया था, इसके अलावा उसके दोस्त थे चंदन, तो हम यहाँ लिख देंगे CHANDAN चंदन एंड पप्पू PAPPU, ये दो और उसके दोस्त थे। इसके बाद है, वेन डिड भोलास फ्रेंड शाउट यस, भोला के दोस्त यस करके कब चिल्लाए थे, तो किस क्यों चिल्लाए थे वो, फॉर ईट हलवा, ठीक है, फॉर ईट वीट हलवा, WHEAT वीट, HALWA, ठीक है, वीट हलवा मतलब गेहूं का हलवा खाने के लिए वो यस करके चिल्लाए थे। तो इस प्रकार से एक्टिविटी 4 थी। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 5। तो यहाँ पे दे रखा, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस। तो ये जो शब्द दे रखे हैं इन्हें हमें रीअरेंज मतलब फिर से क्रम में लगाना है और प्रश्न बनाना है। मेक क्वेश्चंस मतलब प्रश्न बनाना है, पुट क्वेश्चन मार्क लगाना इस प्रकार से, एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस, हमें सही जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाना और कैपिटल लेटर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे यहाँ दे रखा, कैन ड्राइव यू ए कार, तो इसको सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कैन यू ड्राइव ए कार, और क्योंकि कैन से शुरू कर रहे हैं हम यही लिख देंगे इसमें, तो यहाँ जो सी होगा वो कैपिटल होगा, CAN, कैन यू ड्राइव ए कार, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, केवल क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। इसके बाद है, सिंग कैन ए सॉन्ग यू, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, तो कैन का सी कैपिटल आएगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है, कैन ड्रॉ पिक्चर्स यू, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देते ताकि आसानी से समझ में आ जाए, थर्ड वाला, कैन ड्रॉ पिक्चर्स यू, तो इसका हो जाएगा, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, और क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। इसके बाद है, स्पीक कैन तमिल यू, तो इसको क्वेश्चन मतलब प्रश्न बनाएंगे, कैन यू स्पीक तमिल, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, कैन यहाँ पे सी कैपिटल होगा, यू स्पीक तमिल, तो तमिल का टी कैपिटल होगा, यहाँ पे भी लिखा देख लो, TAMIL तमिल, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फिफ्थ है, स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू, तो इस प्रकार यह बनेगा क्वेश्चन, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, और क्वेश्चन
मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, इसको हमने क्वेश्चन बना दिए हैं। इसके बाद एक्टिविटी 6 है, मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल्स। सिंगुलर मतलब एकवचन, प्लूरल्स मतलब होता बहुवचन, तो एकवचन शब्दों को बहुवचन से जोड़ना है उनके। तो यहाँ सिंगुलर वर्ड्स मतलब एकवचन वाले शब्द दे रखे हैं, प्लूरल वर्ड्स मतलब बहुवचन यहाँ दे रखे हैं, तो हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ एचियन हैन दे रखा है और यहाँ पे हैंस है, तो एक बार पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। हैन, सीट, ट्रैक्टर, फ्रेंड, चाइल्ड। और प्लूरल वर्ड्स में दे रखे हैं फ्रेंड्स, ट्रैक्टर्स, सीट्स, चिल्ड्रन, हैंस। तो अब जोड़ देंगे, हैन का हो जाएगा हैंस, सीट का हो जाएगा सीट्स, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से इनकी मैच कर देंगे हम। इसके बाद एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। तो यहाँ फिर से एक स्टोरी दे रखी है जिसे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इसके बाद, तो इसको भरेंगे स्टोरी पढ़ के। तो शुरू करते हैं, स्टोरी है जगत और सुगत की। जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। जगत और सुगत दोस्त थे। वंस दे सोल्ड वीट एंड गोट ए लॉट ऑफ मनी। एक बार उन्होंने वीट मतलब गेहूं बेचे और बहुत सा पैसा मिला। जगत वेंट टू बैंक। जगत बैंक गया एंड डिपॉजिटेड हिज मनी और उसके पैसे जमा कर दिए। बट सुगत कैप्ट द मनी विथ हिम। लेकिन सुगत ने पैसे अपने पास ही रखे। एट नाइट रात को सुगत कुड नॉट स्लीप। सुगत सो नहीं पाया। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी। उसे अपने पैसों की चिंता हुई क्योंकि सुगत ने अपने पैसे अपने ही पास रखे थे। द नेक्स्ट डे सुगत मेट जगत। अगले दिन सुगत जगत से मिला। जगत इसके बाद इस प्रकार का निशान दे रखा, मतलब जगत ने जो बोला वो दे रखा है। जगत ने कहा, माई डियर फ्रेंड यू लुक वरीड, व्हाट हैपन। माई डियर फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त, यू लुक वरीड तुम परेशान दिख रहे हो, व्हाट हैपन्ड क्या हुआ। सुगत सुगत ने कहा, जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी। जगत में पैसों के बारे में, पैसों के लिए परेशान हूँ। जगत जस्ट स्माइल। जगत मुस्कुराया। ही लेटर टूक सुगत टू द बैंक। वह बाद में सुगत को बैंक में ले गया। सुगत डिपोजिटेड हिज मनी। सुगत ने अपने पैसे जमा कर दिए एट द बैंक, बैंक में। एंड ही वाज हैप्पी, और वह खुश हुआ। तो इस प्रकार से छोटी सी स्टोरी थी जगत और सुगत की। अब हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले खाली स्थान है एंड वेयर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में यहाँ लिखा था जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जगत, जे ए जी ए टी, जगत एंड सुगत। तो एस यू जी ए टी, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। जगत और सुगत दोस्त थे। दूसरा सेंटेंस है, दे सोल्ड एंड गोट सम मनी। तो दे सोल्ड उन्होंने क्या बेचा था, तो यहाँ पे दे सोल्ड वीट। तो हम यहाँ लिख देंगे वीट, डब्ल्यू एच ई ए टी, वीट एंड गोट सम मनी। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स डिपोजिटेड द मनी इन द बैंक। और यहाँ फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, कैप्ट द मनी विथ हिम। तो यहाँ पे डिपोजिटेड द मनी, डिपोजिट किसने करी थी मनी, तो यहाँ पे आ जाएगा जगत, जे ए जी ए टी, जगत डिपोजिटेड द मनी इन द बैंक। और यहाँ आ जाएगा सुगत, एस यू जी ए टी, सुगत कैप्ट द मनी विथ हिम। जगत ने बैंक में जमा करे थे, सुगत ने अपने ही पास रखे थे। इसके बाद अगला है फोर्थ, सुगत कुड नॉट एट नाइट। तो सुगत कुड नॉट, यहाँ पे देखो सुगत कुड नॉट, यहाँ पे है सुगत कुड नॉट स्लीप एट नाइट। सुगत कुड नॉट स्लीप, तो यहाँ पे आ जाएगा सुगत कुड नॉट स्लीप, एस एल डबल ई पी, एस एल डबल ई पी, स्लीप मतलब सोना। तो सुगत कुड नॉट स्लीप एट नाइट, सुगत रात को सो नहीं पाया। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस में है, जो यहाँ पे रिक्त स्थान है, टुक टू द बैंक। तो यहाँ पे दे रखा है,
ही लेटर टुक सुगर टू द बैंक। तो ही की जगह यहाँ पे कौन ले गया था, जगत ले गया था, जगत आ जाएगा, जगत, जगत टुक सुगत, जगत टुक सुगत टू द बैंक, जगत सुगत को बैंक में ले गया था। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान भर देंगे। इसके बाद एक्टिविटी 8, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूसिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो यहाँ जो बॉक्स है इसमें से सही शब्द हमें यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो शुरू करते हैं, पहले इसको पढ़ लेंगे। ए बैंक, ए प्लेस वेयर यू कीप योर मनी सेफली। एक बैंक ऐसा स्थान है जहाँ आप पैसा सुरक्षित रख सकते हो। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, बैंक कुछ ब्याज आपके पैसे पे देता है। स्टूडेंट कैन सेविंग अकाउंट, स्टूडेंट भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो हम इसमें जो रिक्त स्थान दे रखे इसको भर लेते हैं। ए बैंक इज ए प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली। द बैंक हैज सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, स्टूडेंट कैन ओपन सेविंग अकाउंट। तो इस प्रकार से यहाँ रिक्त स्थान में हम भरेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 9 है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस, पुट फुल स्टॉप इन करेक्ट प्लेस। तो यहाँ पे फिर से हमें रीअरेंज करना है और सेंटेंस बनाना है और फुल स्टॉप लगाना है सही स्थान पर। तो यहाँ पहला सेंटेंस है जगत सुगत एंड फ्रेंड्स वेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिख देंगे जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स और फुल स्टॉप, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद है सोल्ड दे विट, तो क्या हो जाएगा, दे सोल्ड विट। तो इसका सेंटेंस बनेगा, टी यहां कैपिटल आएगा, दे सोल्ड विट और फुल स्टॉप। इसके बाद है जगत ए बैंक वेंट टू, तो जगत वेंट टू ए बैंक इस प्रकार से बनेगा। तो थर्ड वाला हम यहां लिख देंगे क्योंकि यहां पे सही से जगह नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे जगत वेंट टू ए बैंक और फुल स्टॉप। इसके बाद है फोर्थ है सुगत मनी विथ हिम कैप्ट, तो यहां होगा सुगत कैप्ट मनी विथ हिम। तो हम यहां लिखेंगे सुगत कैप्ट मनी विथ हिम और फुल स्टॉप। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है सुगत नॉट कुड स्लीप, तो इसका हो जाएगा सुगत कुड नॉट स्लीप। तो इसको हम यही बना देंगे सुगत कुड नॉट स्लीप एंड फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे पांचों। इसके बाद एक्टिविटी 10 है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम हर इन इंग्लिश आर इन योर मदर टंग। तो यहाँ पे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर मतलब चित्र लगाना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है, या तो इंग्लिश में या फिर अपनी मातृभाषा में, मदर टंग मतलब मातृभाषा में। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर यहाँ लगाना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। तो पिक्चर आप खुद लगा लेना अपने बेस्ट फ्रेंड का, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है आप उनका जो है पिक्चर यहाँ लगा लेना, या चित्र बना भी सकते हो। वैसे तो यहाँ पेस्ट करने का ही लिखा है और 5 सेंटेंस लिखना है, आप अपनी मातृभाषा में जो भी आपकी भाषा उसमें भी लिख सकते हो, हम यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं। तो 5 सेंटेंस में हम लिखेंगे, सबसे पहले जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो वो लिख देना, जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब अगला हम लिखेंगे
ही इज माय क्लासमेट। ठीक है, रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरा कक्षा का साथी है, मतलब मेरी कक्षा में है। और यदि आप किसी गर्ल का नाम लिख रहे, जैसे यहाँ पर आपने सुमन लिखा है अपनी फ्रेंड का नाम या अपनी सहेली का नाम, तो यहाँ पे शी आएगा, SHE। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लिखेंगे ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। He is very intelligent, वह बहुत बुद्धिमान है। और एक और हम लिख देंगे, फिफ्थ लिख देंगे, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो इस प्रकार से कोई से भी फाइव सेंटेंस आपको लिखने हैं अपने फ्रेंड के बारे में है, और अपने अपनी भाषा में या अपने हिंदी में भी आप यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये फाइव सेंटेंस हो गए, इंग्लिश में लिखना हो तो ये लिख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो यूनिट थी फ्रेंड्स, उसके बाद उसमें जो वर्ड्स आए थे उनका हिंदी में यहाँ दे रखा है, एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी होगा, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। और इन शब्दों को पढ़ने से आपके इंग्लिश के वर्ड भी बढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने इंग्लिश की यूनिट 3 भी कर ली, इसके पहले यूनिट 1 और 2 भी बहुत आसानी से करी थी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।